Yeah. MD. JPB. It's only right, baby. Yeah. Why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I wanted to be a key by my side. My यो यो एवरीवन, दिस इज इरफान एंड वेलकम टू माय कंट्री माय राइट। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है माय कंट्री माय राइट के एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। आज की जो गाड़ियां माय कंट्री माय राइट आपके लिए लेके आया, वो गाड़ियां सेम हैं। लेकिन अक्सर लोग क्या डिमांड करते हैं कि हमें डीजल गाड़ी दिखाओ, हमें पेट्रोल गाड़ी दिखाओ। तो एक ही गाड़ी आपको दोनों वेरियंट में मैं आज दिखाने वाला हूँ, और आप लोग इन दोनों गाड़ियों को अपनी बना सकते हैं। क्योंकि इन दोनों गाड़ियों में खास बात क्या है, एक पेट्रोल है, एक डीजल है। दोनों गाड़ियां सेल पे अवेलेबल हैं, और सेल पे अवेलेबिलिटी की जो डिटेल है वो हमें बताएंगे हमारे बहुत ही प्रिय भाई एंड दोस्त नमन फ्रॉम ऑटो बेस्ट इम्पीरियो। कैसे हो? एकदम बढ़िया, आप बताओ। सबको एक बार हेलो कर दो। हाय गाइस, इट्स नमन फ्रॉम ऑटो बेस्ट इम्पीरियो। कौन सी डीजल है, कौन सी पेट्रोल है, अभी हमारे व्यूअर्स समझ नहीं पाएंगे, तो आप ही बता दो कि कौन सी डीजल है, कौन सी पेट्रोल है। जो मेरे राइट साइड में है वो है डीजल वेरियंट, जो मेरे लेफ्ट साइड में है वो है पेट्रोल वर्जन। अब बात करते हैं ये गाड़ी के नाम की, तो जिन व्यूवर्स को नहीं पता उनको इस गाड़ी का नाम बताओ। ये है BMW 6GT, जिसको हम कहते हैं 630D। ये 630i है। ओके, जैसे i का मतलब पेट्रोल, d का मतलब डीजल। तो पहले कौन सी एक्सप्लोर करेंगे हम? हम पहले करेंगे 630i पेट्रोल। तो पेट्रोल इंजन ही देखते हैं सबसे पहले। आई तो ये देखिए आप, इसके अंदर कितने सीसी का इंजन आता है, नमन थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। ये है 4-सिलेंडर 2-लीटर इंजन। ओके, 2000cc जो होता है, क्योंकि ये पेट्रोल वर्जन है इसलिए ये 4-सिलेंडर है। इन लाइन करते हैं इसे बंद, और बताते हैं आपको कौन से साल की है गाड़ी। आप थोड़ा सा दूर से देखेंगे इस गाड़ी को तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल ब्रांड न्यू कार है, और ये है सन 2018 मैन्युफैक्चरिंग एंड 19 रजिस्टर्ड। तो ज़्यादा पुरानी नहीं है, और गाड़ी बिल्कुल आपके सामने है। आप सबसे पहले इसके हेडलैम्प्स देखिए। अभी ये गाड़ी पेट्रोल इंजन है, तो इसे स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। अब ये देखिए इसके प्रोजेक्टर लैंप्स, डे टाइम रनिंग लाइट जो है वो इसके लुक को बहुत ही ज़्यादा इन्हांस करते हैं, स्पेशली जब आप दूर से देखते हैं। दोनों के अलॉय व्हील्स एकदम सेम है, और अगर हम इसके साइज़ की बात करें, इसका साइज़ यहाँ पे भी लिखा है 245/50R18 इंचेस अलॉय व्हील्स हैं एंड ये स्टॉक है। बढ़ते हैं आगे और इसके फ्रेमलेस डोर देखते हैं, जो नंबर अभी दिखाएंगे हमें। इसके फ्रेमलेस डोर कह सकते हैं, पिलरलेस डोर कह सकते हैं। ये मतलब जो GT में सबसे ज़्यादा मतलब देखने वाली चीज़ होती है ना, जो अट्रैक्ट करती है, वो यही होती है। तो अभी पीछे से आपको ये दिखाता हूँ, पीछे वाला डोर जो है इसमें आपको कर्टन मिलते हैं। इनफैक्ट नमन, इसमें रियर एंटरटेनमेंट लगा हुआ है, क्या हमें उस वाली में भी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बट कुछ फीचर्स का डिफरेंस है। Okay. जो कि हम आपको उस वाली GT में बैठ के बताएंगे। बाकी आप देख लो, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कर्टन भी मिल रहा है, यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल मिल रहे हैं, और पीछे वाली जो शेप है गाड़ी की, इसके अंदर ये चीज़ जो आप देख पा रहे हैं, ये एक स्पॉइलर है जो कि गाड़ी की स्पीड के साथ ऊपर हो जाता है, और वैसे भी ऊपर हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट है, और ऐसा लगता है बहुत ही बड़ा बूट है, क्योंकि पूरी की पूरी ग्लास और डिक्की जो है वो पूरी ओपन होती है, तो आपको एक बहुत वाइड स्पेस मिलता है। क्योंकि ये GT है, इसका पूरा नाम अगर हम बताएं, ग्रैंड टूरिज्मो मतलब ये है ही टूर्स वगैरह के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसमें पीछे बैग्स वगैरह रखने के लिए, मतलब काफ़ी स्पेशियस है पीछे इसकी बूट। आप वहाँ से बंद करें, हम इसको वैसे की से भी बंद कर सकते हैं, की से भी अपने पास ऑप्शन मिलता है। बाकी पीछे जो ब्रांडिंग है वो आप देख लीजिए, 630i, और जो इसकी चाबी है वो आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये लेटेस्ट कार है। तो ये है इसकी कुछ चाबी, अंदर से एक बार मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूँ। इंटीरियर में कोई फ़र्क मिलेगा हमें? इंटीरियर एग्जैक्टली सेम मिलेगा। अब एक बार आप अंदर से देखिए इसका इंटीरियर कि कितनी साफ़ है गाड़ी और कितनी क्लीन है, और जहाँ जहाँ GT की ब्रांडिंग आपको दिख रही है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। वाली सीट्स भी इसके लिए क्लाइनिंग होती है। अब ये देखिए, अगर ये आप देखना चाहें तो ये देखिए, थोड़ी सी सीट आपको मूव होती हुई दिखेगी, जैसे ही मैं बटन दबाता हूँ तो आप देख पा रहे हैं GT की ब्रांडिंग आपको यहाँ भी दिख पा रही है, क्योंकि GT है तो फिर हर जगह GT की ब्रांडिंग कंपनी ने दे रखी है। तो इसके अंदर भी आप जो गाड़ी की जो स्टेयरिंग है वो देख पाएंगे, जो गियर नॉब है वो भी आप देख लीजिए, और जो सीट की क्वालिटी है वो भी देख लीजिए। इसके अंदर पैनोरामिक सनरूफ आता है, वो मैं दूसरी गाड़ी में चल के आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि दोनों गाड़ी में ऑलमोस्ट सेम फीचर है। ये दोनों ही गाड़ियाँ एग्जैक्टली सेम है, मतलब इंटीरियर से लेके एक्सटीरियर तक पूरा एक एक चीज़ सेम है।
इंटीरियर भी इवन आप देखेंगे दोनों का कोनियाक इंटीरियर है। कोनियाक यस। अब ये देखिए, ये आप पहचान नहीं पाएंगे कौन सी डीजल है वैसे कौन सी पेट्रोल है। अगर मैं थोड़ा सा कैमरे को इस तरफ करूँ तो इधर भी खड़ी हुई है, बट इधर वाली ये जो आप देख पा रहे हैं ये है डीजल और ये है पेट्रोल। अब बात करते हैं पेट्रोल के प्राइस की। ये जो हमारी पेट्रोल कार है, जैसे कि मैंने आपको बताया 18 मैन्युफैक्चरिंग 19 रजिस्टर्ड कार है, ड्रिवन है 24,000 किलोमीटर्स ओनली एंड लग्जरी लाइन है ये, जो टॉप एंड वेरिएंट होता है हमारा जीटी में। एंड इसके हम जो आस्किंग कर रहे हैं वो है 52,75,000 ओनली। 52,75,000 ओनली। एंड दोनों का ये एक अट्रैक्टिव पॉइंट है कि दोनों में ही नेक्स्ट ईयर यानी कि 2021 तक वारंटी वैलिड है फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ। वारंटी वाली गाड़ियाँ हैं जी, क्लीन गाड़ियाँ आप अपनी बना सकते हैं आपकी स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करके। अब बात करते हैं इसकी। अब आपको इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपको एक कैमरा दिखेगा जो कि 360 कैमरा, जो मैं आपको अंदर चल के दिखाऊंगा। इसके अंदर जो सबसे खास चीज़ वो है इसका इंजन। इसका इंजन उस वाली से बड़ा इंजन है, वो थी 2 लीटर, ये है 3 लीटर, जो कि अभी हम देखेंगे नमन एक बार हुड ओपन करेंगे इसका। तो ये है हमारा 6 सिलेंडर 3 लीटर डीजल इंजन इन लाइन। अब ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिलेंडर दिख रहे हैं जो कि एक लाइन में लगे हुए हैं। दैट इज़ इन लाइन 6 सिलेंडर डीजल इंजन, जो कि डेफिनेटली आपको माइलेज अच्छी देगा, क्योंकि डीजल की जो माइलेज है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल तो बेटर होगी। डी मीन्स डीजल। अब इसके अंदर पीछे आप 3 लीटर है तो इसके अंदर आपको ड्यूल एग्जॉस्ट दिख पा रहे हैं। अब इसका भी बूट आपको दिखाते हैं ओपन करके एक बार। इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट है, पिछली वाले का हमने इलेक्ट्रिकली बंद नहीं किया था, स्पेयर व्हील आपको दिख रहा है। अब यही से बंद भी कर देंगे रिमोट से, तो सिर्फ एक बटन दबा के रखना है और ये इलेक्ट्रॉनिकली ही बंद हो गया। तो अब एक काम करते हैं, अब बैठते हैं इस गाड़ी के अंदर और एक्सप्लेन करते हैं कि 6 सीरीज़ में आखिर क्या क्या आता है। हाँ जी दोस्तों, तो अब हम बैठ चुके हैं गाड़ी के अंदर। सबसे अच्छी बात यह है कि जो इसके इंटीरियर का कलर है वो बहुत ही ज़्यादा आई कैचिंग है, काफ़ी डिफरेंट लगता है, कस्टमाइज लगता है। हालांकि ये आई डोंट थिंक कि कस्टमाइज है, ये डिफ़ॉल्ट ही आता होगा। बाय डिफ़ॉल्ट आता है। किलोमीटर कितने हैं, क्योंकि मैं बार बार देख रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है किलोमीटर देख के, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ चली है जी 14,841 किलोमीटर विद सर्विस रिकॉर्ड। डिजिटल ओडोमीटर है, जैसे कि आप ये स्पोर्ट्स वगैरह मोड चेंज करते हैं तो इसमें साथ साथ ये भी आपके चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये स्पोर्ट्स हमने करा, ये इको प्रो करा, ये कम्फर्ट करा, ये आपका व्यू चेंज हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम इसके स्टेयरिंग पे आएंगे तो स्टेयरिंग इसका इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक। मेरे को लग रहा है कि शायद आपको थोड़ी सी रोशनी की जरूरत पड़ेगी, तो मैं ज़रा रोशनी आपको देता हूँ। तो ये भी इसी के साथ हमारी पैनारोमिक सनरूफ ओपन है, ये सेटिस्फैक्शन मिलती है आप, पूरी कार कवर करती है ये। अब अगर हम इसकी मेन स्क्रीन पे आए, ये सबसे पहले तो बता दूँ ये टच स्क्रीन है इसकी स्क्रीन। अब ये जितना भी हम बता रहे हैं उसमें भी टच स्क्रीन अपने को अवेलेबल होगी। कुछ जो मैं चीज़ें आपको मेन बता रहा हूँ वो इंक्लूडेड है, मतलब उसमें भी है, और कुछ चीज़ें मैं आपको मेंशन करूँगा कि ये उसमें नहीं है। ठीक है, अभी जैसे हमने इसका डिजिटल ओडोमीटर देखा ये उसमें भी आता है, इसका जो टच स्क्रीन है ये उसमें भी आता है। ठीक है, अब हम इसके आ जाते हैं नेविगेशन पे। ये नेविगेशन है, इसमें मैप पे नेविगेशन हमें दोनों में मिलेगा, क्योंकि दोनों ही लग्जरी लाइन है तो इसमें ऑलमोस्ट सिमिलर फीचर्स हैं। ठीक है, हमें अगर ये सर्च करना है तो यहाँ पे हमें सिर्फ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमारा टाइप कल पैड है हमारे पास, ये काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है आगे टाइप करने के लिए। नहीं तो हम स्क्रॉल करके इसको यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, इससे ज़्यादा इजी हो जाता है। बहुत बढ़िया। इसके हम यहाँ पर अगर फीचर्स पे आएँ, सबसे पहले तो इसका ये स्पॉइलर का फीचर है, स्पॉइलर अप एंड डाउन। अगर स्पॉइलर का हमने बटन प्रेस करा, ये लाइट जल गई, स्पॉइलर ओपन हो गया पीछे। अब अगर हमें बंद करना है तो इसको प्रेस करके रखेंगे, जैसे ही लाइट बंद होगी मतलब स्पॉइलर बंद हो गया। ठीक है, अब हम इसके आते हैं हाइट कंट्रोल फीचर पे। दोनों ही गाड़ियों में हाइट कंट्रोल का फीचर है एंड स्पॉइलर का, जैसे हमने देखा दोनों ही गाड़ियों में है। अब इसके अगर हम कैमरा पे आए, ये हमारा रिवर्स कैमरा आ गया, बहुत ही खतरनाक कैमरा है। इसमें सिर्फ रिवर्स कैमरा ही नहीं, इसमें हमें पूरा 360 कैमरा मिलता है, जबरदस्त। अब जैसे ही हम ये देख रहे हैं, हम नॉर्मली अगर किसी एक कैमरा पे क्लिक करेंगे, ओ वाओ वाओ, ये पूरा जेस्चर है, मैं इसको हल्का सा मूव करूंगा ये कार मूव हो गई है, लिटरली पूरा 360 व्यू मिल रहा है गाड़ी का। ये देख रहे हो, मतलब कितना सेटिस्फैक्शन है कि जो इसके आसपास चीजें होंगी वो भी अपने को दिखेंगी। अब अगर हम हल्का सा कार को आगे लेके जाते हैं, ओ वाओ,
भैया तो गाड़ी के वैसे ये वाले अलॉयज में लगे नहीं हुए, ये नहीं लगे, बट इमेज जो कार्बन बाय डिफॉल्ट वो जो है उसमें वो यही वाले। ये देखिए पूरी आपको इमेज दिख रही है गाड़ी की, पीछे से अगर हम पीछे देखें तो पीछे हम अगर टायर भी मूव कर रहे हैं तो प्रॉपर टायर मूव होते हमें पता चल रहा है लिटरली यार। साथ में हमारी दूसरी वाली जीटी है वो भी हमें पता चल रही है। बहुत अच्छा फीचर है, ऐसे बार बार करने का मन कर रहा है, तो इस टाइप का गेम जिसे बार बार खेलो आप। ये जो फीचर है 360 कैमरा वो इस वाली गाड़ी में है, उसमें नहीं, उसमें 360 नहीं है, उसमें नॉर्मल रिवर्स कैमरा है। ठीक है, अब हम इसके आ जाते हैं एक और फीचर पे, इंटरेस्टिंग फीचर पे, जैसे कि आप देख रहे हो फोन चार्ज हो रहा है, वायरलेस चार्जर उसमें नहीं आती ये फीचर, वायरलेस चार्जर इसमें आता है, उस वाली गाड़ी में नहीं आता। ठीक है, अगर हम बात करें इसके एसी की तो ये 4-zone क्लाइमेट कंट्रोल एसी है, जैसे यहाँ पे दो हैं, पीछे भी दो अलग है, तो दो हर चारों का अलग अलग जगह पे है सिस्टम। ओके, एंड ऑटो होल्ड का फीचर जैसे कि हमने हर बारी अपने कस्टमर्स को डिस्क्लोज भी करा है। बिल्कुल, तो अगर मैं इसके ऑडियो पे आए, हार्मन गार्डन का ऑडियो है जो कि हमें उस वाली गाड़ी में नहीं मिलता। ठीक है, इसमें एक फीचर आता है एम्बिएंट लाइटनिंग का भी, एम्बिएंट लाइटनिंग हमें दोनों में मिलती है बिल्कुल सेम, जहाँ पे फोन चार्जर है वहाँ पे भी, और इसके नीचे भी अगर आप देखेंगे और साइड में अगर आप देखेंगे, अगर मैं कलर चेंज करूँ तो वहाँ पे कलर चेंज होकर ही पता चलेगा। बिल्कुल, ये ऑप्शन उस वाली गाड़ी में भी है, इसमें भी है। आप इसके पीछे रेयर एंटरटेनमेंट भी देख रहे होंगे, दोनों में एग्जैक्टली सेम है रेयर एंटरटेनमेंट, दोनों में स्पेस एकदम सेम है, दोनों में पीछे स्पॉइलर है, दोनों में इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट है, पैनोरामिक सनरूफ दोनों में है, आपका डिजिटल ओडोमीटर दोनों में है, स्टेयरिंग इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल दोनों में है, ऑटो होल्ड, ये आपका हाइट कंट्रोल दोनों में मिलता है, नेविगेशन दोनों में मिलता है। तो कुछ थोड़े बहुत फीचर्स का फर्क है जो कि हमें एक गाड़ी में नहीं मिलता। दोनों में सेम है कुछ डिफरेंस है डेफिनेटली, ये उससे थोड़ी सी महंगी होगी। बिल्कुल होगी, क्योंकि फीचर वही मुझे बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है। सिर्फ फीचर की बात नहीं है, जैसे कि हमने उसमें देखा 4 सिलेंडर, यह है 6 सिलेंडर, हाँ वो है 2 लीटर, यह है 3 लीटर, वो है पेट्रोल इंजन, यह है डीजल इंजन। हर चीज का प्राइस पे इफेक्ट आता है, फीचर्स का इफेक्ट आता है, इंजन का फर्क आता है, हर चीज एक ऐसी बन जाती है कि वो प्राइस पे इफेक्ट करेगी। चलिए देखते हैं, बाहर उतरते हैं और देखते हैं कि क्या प्राइस रहने वाला है इसका। बाकी डील बहुत अमेजिंग रहेंगी इन गाड़ियों की, देखते हैं क्या डील लेके आते हैं आज हम आपको ऑटो वेस्ट इंपीरियर से। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं इस डीजल गाड़ी की डिटेल के साथ, तो नमन डिटेल बताएं। ये है BMW 630D GT, मतलब डीजल वेरिएंट, एंड ये है 2018 मैन्युफैक्चरिंग, 19 रजिस्टर्ड, जैसे कि हमने देखा 14,000 किलोमीटर्स ड्रिवन है ओनली, एंड इसके हम जो आस्किंग कर रहे हैं वो है 56,75,000 ओनली। आपको डीजल गाड़ी चाहिए आप डीजल गाड़ी ले सकते हैं, आपको पेट्रोल चाहिए पेट्रोल ले सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, GT को अपना बनाएं, 3 सीरीज को अपना बनाएं, जैगवार को अपना बनाएं, मर्सिडीज को अपना बनाएं, तकरीबन क्या मैं तो ये कहूँगा सारे ही ब्रांड मिलते हैं। मतलब अभी तक ये हो रहा था हम लोग बीट दमित ला रहे थे हमारा कंसेप्ट, बट उसमें सेम गाड़ियाँ आ रही थी, तो इन दोनों में जो फ्यूल ऑप्शन मिल रहा है वो भी अलग मिल रहा है, डीजल और पेट्रोल। तो जिसको पेट्रोल में कम्फर्ट है वो पेट्रोल लेगा, जिसको डीजल में कम्फर्ट है वो डीजल लेगा। तो थैंक यू सो मच आप इतना सपोर्ट दे रहे हैं। ऑटो बेस्ट इंपीरियो अब बहुत बड़ा होने वाला है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रजौरी गार्डन में नया शोरूम हमारा आने वाला है और वो नारायणा वाले से काफ़ी बड़ा होने वाला है। जैसे जैसे आपका प्यार हमारे लिए बड़ा होता जा रहा है, ऑटो बेस्ट भी बड़ा होता जा रहा है, तो आप सबकी हमें ब्लेसिंग की ज़रूरत है। कमेंट सेक्शन में आप हमें अपनी ब्लेसिंग भी दीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि और कौन सी गाड़ियाँ हैं इन फ्यूचर जो आप चाहते हैं ऑटो बेस्ट इंपीरियो आपके लिए अवेलेबल कराए। तो हो जाएंगी भाई, बिल्कुल हो जाएंगी। तो इसी नोट के साथ लेते हैं अलविदा और मिलते रहेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़ एंड बाय बाय।